हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सो एज यू ऑलरेडी नो कि एम नोटिफिकेशन फॉर कोर्स 2021 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है तो इफ़ यू वांट टू रीड दिस कंप्लीट पीडीएफ सो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल एंड रीड द पी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द की पॉइंट्स ऑफ दैट पी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्शन प्रोसीजर एंड टेस्ट सेंटर्स ठीक है तो गाइज एंड रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं वो आप जिन बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है तो उनके डाउट्स मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया है सो so, तो उनको डाउट पूछने की जरूरत नहीं है अब जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने जिनका मन में कुछ डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो दे कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स तो वो भी मैं आपके क्वेश्चन उस वीडियो में ऐड करके शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट एट वो भी मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूंगी दैट इज ऑन मंडे टुडे एंड पैक ऑफ फोर जो नेक्स्ट पैक ऑफ फोर मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलेगा तभी और पैक ऑफ एट मॉक टेस्ट दैट इज वन टू एट मॉक टेस्ट का जो पैक है फॉर एम एन एस कोर्स के लिए वो भी मैं आपको शाम को ही प्रोवाइड करूंगी ठीक है तो आप शाम को या फिर मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगी या फिर आप शाम को खुद ही जो लिंक है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में भी और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो इनका है एम का वो उनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एम की ये है कि एम ये एक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बी नर्सिंग कोर्स है जो कि आर्म्ड जो कॉलेजेज हैं नर्सिंग के वो आपको बी नर्सिंग कोर्स कराते हैं ठीक है थीके? और ये जो कोर्स है वो फोर ईयर कोर्स होता है जिसमें आपकी तीन साल की तो बी नर्सिंग होती है प्लस वन साल जो लास्ट ईयर है वो आपकी ट्रेनिंग वी कैन से इंटर्नशिप होती है ठीक है सो दिस इज बेसिकली ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ओके नाउ इसमें जो पॉइंट है लास्ट में आपको लेट मी जूम दिस सो so, यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको एक बॉन्ड फिल करना होता है एज अ सिक्योरिटी ठीक है तो जब आपकी एडमिशन होता है तो आपको बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी फिल करना पड़ता है ताकि आप बीच में उस कोर्स को क्विट ना कर दो इसलिए ठीक है और ये जो कोर्स है इसमें ये जो बॉन्ड है उसमें आपको अप्रॉक्स थ्री टू तो फोर लाख रुपीज जमा करने होते हैं ठीक है थीके? तो ऐसा नहीं है बाद में वो आपको रिफंड कर देंगे तो यहाँ पर लिखा है दे शेल हैव टू बी रिफंडेड ओके सो योर मनी जो आपका मनी है जो बॉन्ड आपने फिल किया है दैट विल बी रिफंडेड एंड ये तीन केसेस में आपका रिफंड हो सकता है इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स अगर आपने कोर्स से विड्रॉल लिया है मतलब आप कोर्स आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो उस केस में आपका जो मनी है जो बॉन्ड है वो रिफंड हो जाएगा देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके के, उस केस में भी आपका जो बॉन्ड है वो रिफंड हो जाएगा और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कमीशन इन एम या फिर आप एम में सर्विस नहीं देना चाहते ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्विट करना चाहते हो तो उस केस में भी आपका ये जो बॉन्ड है वो रिफंड कर दिया जाएगा सो so, इन तीन केसेस में आपका ये जो बॉन्ड है वो रिफंड कर दिया जाएगा ठीक है इसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ठीक है लास्ट लाइन में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री राशन अकोमोडेशन यूनिफॉर्म मंथली स्ट्राइपेंड एज पर द कंडीशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है तो आपको ट्रेनिंग के दौरान मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि अप्रॉक्स सेवन टू सिक्स थाउजेंड होता है ठीक है जिसमें आपकी ड्रेस यूनिफॉर्म ये सब मैंशन होता है ठीक है तो उसके लिए आपको ये मंथली स्टाइपेंड मिलता है तो बेसिकली ये जो बी एस सी नर्सिंग है वो आर्म्ड कॉलेजेस जो है नर्सिंग के वो आपको बी एस सी नर्सिंग कोर्स कराते हैं जिसमें चार साल का आपका कोर्स होता है तीन साल की आपका बी एस सी नर्सिंग एंड वन साल जो लास्ट ईयर है वो आपकी ट्रेनिंग ठीक है ना एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये कोर्स है तो जो बच्चे ये पूछते हैं कि बॉयज़ कैन अप्लाई फॉर एम नो बॉयज़ के लिए एम नहीं है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इस एम कोर्स को कर सकती हैं ज्वाइन कर सकती हैं इसमें अनमेरिड होनी चाहिए डाइवोर्सड भी चलेगा लीगली सेपरेटेड विडो विदाआउट एनकम्ब्रेंसिस एनकम्ब्रेंसिस मतलब विदाउट लीगल जो पैंडिंग है वो नहीं होनी चाहिए शॉर्ट आउट होना चारा शॉर्ट आउट होना चाहिए तो उस इन चारों केसेज में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकती हैं और वो एलिजिबल है नेशनल डी ऑफ कोर्स इंडियन ठीक है एंड डेट ऑफ बर्थ का जो मोस्ट जो क्वेरी है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स से टू थाउजेंड फोर थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर के बीच में लाया करता है सो यू आर एवलीजिबल फॉर एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो so बेसिकली जो एम है अगर हम इन शॉर्ट देखें तो जो एम का कोर्स है वो एलिजिबल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 24 फोर ईयर्स तक जिनकी एज 24 तक है वो एलिजिबल है एम के लिए बट अगर हम बात करें फॉर एम एन एस दिस पर्टिकुलर सेशन तो इसमें आपका डेट ऑफ़ बर्थ ये मैंशन होनी चाहिए ठीक है तो मान लो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वन अक्टूबर के बाद आती है ठीक है अगर इससे पहले आती है वन अक्टूबर नाइन्टीन अगर इससे पहले आती है तो आप नाइनटीन को मैंशन नहीं करोगे ठीक है तो वन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स से लेकर तीस सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर तक ठीक है अगर अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज टेंथ जुलाई आई थिंक टेंथ जुलाई टू थाउजेंड फोर सो यस शी इज एलिजिबल क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई में है ठीक है टेंथ जुलाई है और यहाँ पर लास्ट जो लिमिट है वो है सितंबर टू थाउजेंड फोर तो तीस सेप्टेम्बर के बाद जिन बच्चों का बर्थडे आता है डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल नहीं है ठीक है एंड वन मोर गर्ल मी कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है टू थाउजेंड फाइव है तो वो भी एलिजिबल नहीं है अभी उनकी एज लिमिट कम है ठीक है तो एज जो है मिनिमम आई थिंक सेवेंटीन ईयर्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है तो एम एन एस टू थाउजेंड एम एन एस में जो जनरल जो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है वो ट्वेंटी फोर ईयर्स तक कर सकती हैं ठीक है अप्लाई एम एन एस के लिए फॉर बी एस सी नर्सिंग कोर्स एंड अगर उनको टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का देखना है तो दिस इज द एज लिमिट इतना आपका इस के बीच में आपका लाइक होना चाहिए मतलब जिन बच्चों का तीस सितंबर मान लो किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो वन अक्टूबर टू थाउजेंड फोर है तो तब भी वो एलिजिबल नहीं है ठीक है सो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी बात ये है कि टेन प्लस टू कोर्स है ये ट्वेल्थ पास कोर्स है ठीक है इसमें आपको uh, जो ट्वेल्थ है वो आपको पीसीबी प्लस इंग्लिश से आपकी ट्वेल्थ होनी चाहिए एज अ रेगुलर स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपनी ट्वेल्थ नहीं की होनी चाहिए यू शुड बी अ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ दैट स्कूल ठीक है एंड यहाँ पर जो परसेंटेज मांगा है वो इन चारों परसेंटेज इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपको जो एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो फिफ्टी परसेंट होना चाहिए ठीक है फिफ्टी परसेंट से अबव होना चाहिए तभी आप एम के लिए एलिजिबल हो सो हेयर देर रिटिन कैंडिडेट मस्ट हैव पासड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ठीक है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी ट्वेल्थ में कम्पार्टमेंट आई है सो शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एम एन एस ठीक है कम्पार्टमेंट नहीं होनी चाहिए ट्वेल्थ जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए एज अ रेगुलर कैंडिडेट एंड इक्वल टू टेन प्लस टू और ट्वेल्थ अपियरिंग ट्वेल्थ ईयर स्कूलिंग एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश ठीक है फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स विल हु विल बी अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर क्वालिफिकेशन दिस इज इंपॉर्टेंट अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि uh, मैं ट्वेल्थ अपेयरिंग हूँ तो क्या मैं एम एन एस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ दे कैन अप्लाई फॉर एम एन एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज अ प्रोविशनली वो प्रोविशनली uh, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास ट्वेल्थ का रोल नंबर नहीं होगा एंड आपके मार्क्स भी नहीं है मार्क्सशीट भी नहीं है तो उसके आप क्या करोगे प्रोविशनली सिलेक्ट करोगे उसमें ठीक है तो जिन बच्चों का ट्वेल्थ अपेयरिंग है वो भी डेफिनेटली uh, के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए फॉर so uh, हो हो, तो जब आपका इंटरव्यू होगा उस केस में आपको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड अपना एडमिट कार्ड जो है वो वहां पर शो करना पड़ेगा एग्जाम आपने आपने दिया है क्योंकि तब तक आपके ट्वेल्थ एग्जाम हो जाएंगे ठीक है तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा सो so, यहां पर एक और चीज है जो मैंने आपको बताई कैंडिडेट्स हु फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द करेंट अकेडमिक सेशन मतलब टू थाउजेंड उनका एकेडमिक सेशन है 2000, uh, 2021 जब वो ट्वेल्थ अपेयरिंग है तो मैं ऑल्सो अप्लाई ओके सो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ट्वेल्थ होना चाहिए ट्वेल्थ कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं और इंग्लिश भी एक एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट के जो एग्रीगेट मार्क्स है वो फिफ्टी परसेंट होना चाहिए अगर मान लो आपके पास पांच सब्जेक्ट है क्योंकि डेफिनेटली ट्वेल्थ में पांच सब्जेक्ट होते हैं फिजिकल एजुकेशन भी होता है तो फिजिकल एजुकेशन को नेग्लेक्ट करके आप उन चारों जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स आप कैलकुलेट करना परसेंटेज में ठीक है तो अगर आपके फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस एम एन एस ओके रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ट्वेल्थ की होनी चाहिए ठीक है और ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें थ्री स्टेप्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आ, इधर जो लास्ट ईयर क्या था दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट मी क्लियर दिस थिंग कि लास्ट ईयर क्या होता था उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा था कि रिजर्वेशन होगा ठीक है क्योंकि रिजर्वेशन का इस बार मेंशन किया है उन्होंने सो दिस इज ऑल अबाउट देम कि लास्ट ईयर भी उन्होंने रिजर्वेशन के बेसिस पर बच्चे सेलेक्ट किए होंगे लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा होगा सो so, ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे तभी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा ठीक है क्योंकि लास्ट ईयर इन टू आई थिंक टू में इंटरव्यू मार्क्स एंड रैंक आपको नहीं बताई गई थी राइट right? तो so, जिन बच्चों ने 2019 में दिया होगा दे नो दैट एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी लास्ट ईयर उन्होंने आपको uh, एक सेपरेटली पीडीएफ प्रोवाइड की थी आपकी जिसमें आपके रैंक रिटर्न मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स तीनों मैंशन किए होते हैं ठीक है सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दैम की वो क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन में निकालते हैं और क्या नहीं निकालते ठीक है सो सेलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली थ्री स्टेप्स का है इसमें आपको क्या होगा फर्स्ट स्टेप आपका सीबीटी है मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2020 में, इज दिस वाज द सेकंड टाइम सॉरी दिस विल बी द सेकंड टाइम जब आपका जो एम है वो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ठीक है इससे पहले 2019 तक ऑफलाइन एग्जाम होता था राइट फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल होगा आपका एंड लास्ट स्टेप इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बेसिस पर आपको सीट अलॉट की जाएगी रैंक अलॉट की जाएगी सो so, पहला स्टेप देखते हैं सीबीटी में आपका क्या होगा बेसिकली आपको 150 करने होंगे ठीक है 150 करने पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन करेक्ट मार्क्स के लिए आपको एक कर, एक वन मार्क्स मिलेगा ठीक है तो ऐसे आपका जो टोटल पेपर है वो वन फिफ्टी मार्क्स का ही होगा ठीक है 150 क्वेश्चन इक्वल टू वन मार्क्स ठीक है हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा फिर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर लिखा है नाइनटी मिनट्स होगा मतलब

एक बच्चे ने मेरे से कमेंट में ये पूछा था कि मैम जो जनरल इंटेलिजेंस है तो वहाँ पर जीके नहीं आएगी नहीं ऐसा नहीं है जनरल इंटेलिजेंस में ही आपकी जीके मेंशन है इनफैक्ट आपका जो रीजनिंग है जो आप जनरल इंटेलिजेंस जैसे बोलते हो वो सिर्फ पाँच मार्क्स की आती है ठीक है तो अगर उसे आप नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड वैसे भी रीजनिंग बहुत ईजी आती है इतनी हार्ड लेवल की नहीं आती है ठीक है तो अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी इस साल सो so, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो एम एग्जाम है वो ऑड इवन ईयर पर फ्रेम होता है सो इट डिपेंड्स कि अगर आ सकती है तो कोई इशू नहीं है और नहीं भी आएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जीके जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है एम 2021 एस प्रिपरेशन कैसे करें उस वाली वीडियो में उसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया है ठीक है उस वीडियो को जरूर जाके देखो अगर आपको सिलेबस का ज़रा भी आइडिया नहीं है तो ठीक है उसमें जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने सारे मैंशन किए हैं तो एटलीस्ट वो तो आप करके ही जाना तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से ऐसा नहीं है कि आपकी रीजनिंग आएगी रीजनिंग नहीं आएगी रीजनिंग आएगी भी तो सिर्फ पांच मार्क्स की आएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है जीके ज्यादा आएगी जिसमें मिसनेलियस नोबेल प्राइज एंड चीफ, मिनिस, चीफ मिनिस्टर डैम्स ये सब वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है इसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर ओके एंड नॉर्मलाइजेशन होगा अगर यस मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर जिसमें आपको शिफ्ट uh, से क्वेश्चन आता था शिफ्ट यह, यहाँ पर लिखा है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन शिफ्ट शिफ्ट में होगा इसका मतलब uh, तीन शिफ्ट में होगा और तीन शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि एम एन एस का एग्जाम जो है वो तीन दिन चलेगा ऐसा नहीं है थ्री शिफ्ट का मतलब ये है क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था थ्री शिफ्ट का मतलब है कि मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट इन अ सेम डे ठीक है सेम डे आपका सेम डे एग्जाम चलेगा तीन शिफ्ट में तीन डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा मान लो सुबह ग्यारह से आपका साढ़े बारह एग्जाम हो ठीक है डेढ़ घंटे का फिर दोपहर में होगा एक, एक से या दो से फिर शाम को होगा चार पांच से ठीक है तो ऐसे आपका एग्जाम होगा तीन शिफ्ट में ओके नाव वंस यू क्वालिफाई दिस रिटर्न एग्जाम तो रिटर्न एग्जाम के बाद आपका मेडिकल एंड इंटरव्यू होगा ठीक है कट ऑफ से जब आपके मार्क्स ऊपर आते हैं तो आपका इंटरव्यू एंड मेडिकल भी होगा अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सभी का इंटरव्यू और मेडिकल होगा यस जो भी बच्चे इस रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उन सभी का इंटरव्यू भी होता है मेडिकल भी होता है ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया और आपका जो इंटरव्यू है ठीक है वो उन्हीं बच्चों का मेडिकल उन्हीं बच्चों का हुआ जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई ऐसा नहीं होता ठीक है सभी बच्चों का मेडिकल भी होता है और इंटरव्यू भी होता है राइट अब मेडिकल से रिगार्डिंग एक पी डी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको बहुत लेंदी पी है जिसमें आपको हर एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो मेडिकल फिटनेस है वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए तो इफ़ यू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट आई प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम चैनल और इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन ओके सो यू कैन रीड दैट पी डी एफ सो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सेवनटीन्थ ऑफ फैब ठीक है ये तो नोटिफिकेशन था जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होगा आपका सेवनटीन्थ ऑफ फैफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में और उसके बाद ये जो आ, हाँ एक बच्चे ने पूछा था कि एम एन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक चलता है तो अप्रॉक्स आपको वन मंथ मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करने का ठीक है जो टाइम ड्यूरेशन है तो सेवनटीन फैब से आपका सेवनटीन मार्च तक चलेगा और उससे भी कम दिन तक आपको ट्वेंटी एट डेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं तो इससे भी कम दिन लगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो बेसिकली एक मंथ का आपका ये टाइम ड्यूरेशन होता है एप्लीकेशन फॉर्म किल फिल करने का उसके बाद यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो बोल रहे हैं कि अप्रैल 2021 में होगा तो अप्रैल लास्ट वीक में हो सकता है या फिर मई फर्स्ट वीक में तो मई फर्स्ट वीक में आ, आप हंड्रेड परसेंट ये श्योर है कि मई फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम जो है टू का वो क्लियर हो जाएगा ठीक है और इसके बाद जो इंटरव्यू और मेडिकल है वो आपका जून टू में जो जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आपका जो इंटरव्यू और मेडिकल होगा ठीक है अब इंटरव्यू और मेडिकल सेम सेम चलता है, पारल चलता है है like, लाइक एक दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद चार दिन आपको पर स्टे करना पड़ेगा जिसमें आपका मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट होगा ठीक है एंड फाइनल डे जो आपका लास्ट डे होगा उसमें आपको मेडिकल बोर्ड इनिशियल मेडिकल बोर्ड एक बैठता है जिसमें आपको फिट और अनफिट वो डिक्लेयर करेंगे एज पर योर कंडीशन ठीक है जैसे आपका मेडिकल हुआ होगा ओके okay? ना इसमें जो यहाँ पर मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पर लिखा है अपील मेडिकल एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड तो ये क्या होता है दैट आई टोल्ड यू इन सॉरी दैट विल आई टोल्ड यू इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज़ ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ कि एक इनिशियल मेडिकल बोर्ड होता है ठीक है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल में जब आप अनफिट हो जाते हो इन केस अगर आप अनफिट हो गए तो आपको एक चांस दिया जाता है कि आप अपील कर सकते हो अपील मेडिकल बोर्ड ठीक है तो अपील मेडिकल बोर्ड में आपको फोर्टी टू डेज में आपको फिट होके जाना होता है जिसमें भी आपकी जो जो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं उसके बाद अगर अपील मेडिकल बोर्ड में भी आप अगर, अगर अनफिट हो जाते हो तो आपको फिर एक और चांस दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिव्यू मेडिकल बोर्ड सो इन शॉर्ट so ये आपको बस इतना मैं बता दू अपील मेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या होता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस इंटरव्यू एंड मेडिकल ओके

ठीक है जिनके कट ऑफ से इतने ऊपर मार्क्स थे कट ऑफ से 650 बच्चों ने मार्क्स रिसीव किए थे तो 650 के बाद उनका जो मैरिट बनी थी ठीक है क्योंकि उनका रिटिन रिटर्न हो गया फिर इंटरव्यू में जो मैरिट बनी थी ठीक है एक्चुअली रिटिन में सॉरी रिटर्न में इतने बच्चे नहीं थे इंटरव्यू और रिटर्न के बाद जो मैरिट बनी थी जो रैंक आई थी वो 650 बच्चे थे उसमें ठीक है तो 650 में ये कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनी थी जिसमें रैंक वन से लेकर 650 तक बच्चों की रैंक गई थी ओके, सो कंबाइंड मैरिट लिस्ट उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में आपका जो ये फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव सीट्स है ये उन बच्चों के लिए रिजर्व है जो एस सी एंड एस टी कैंडिडेट्स हैं एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स है जिसके पास अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देनी है वो ये कि इनकी ये जो सीट रिजर्व है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन जनरल मैरिट लिस्ट अब ये जनरल मेरिट लिस्ट क्या है जो सभी बच्चों की विदाउट एस सी एन एस टी और काउंट किए जो जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी सभी बच्चों की ठीक है जनरल मेरिट लिस्ट में आपका जो रिटर्न मार्क्स है 150 मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स आपके ऐड करके जो एक जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी उस जनरल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी जो रैंक है वो आपको दी जाएगी ठीक है लेकिन यहां पर लिखा है कि द रिजर्व सीट्स विल बी इन एडिशन टू एनी वैकेंसी वेन्ड एस सी और एस और एनसीसी कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द मैरिट लिस्ट ठीक है जो उनकी इन बच्चों की जिनके पास एनसी सर्टिफिकेट है और एस और एस कैंडिडेट्स कैंडिडेट है तो इन बच्चों की जो जनरल मैरिट लिस्ट बनी है उन उसके एडिशन पर भी आप उनको वैकेंसीज प्रोवाइड की जाएंगी जो ये यहाँ पर सीट्स है फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है मान लो किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है लेकिन उस बच्चे की जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो जनरल मेरिट लिस्ट बनी है उसमें रैंक उसकी कितनी है लाइक सिक्स फिफ्टी टोटल बच्चे सेलेक्ट होने थे इंटरव्यू एंड मेडिकल की और उसकी रैंक है लाइक फोर हंड्रेड और थ्री हंड्रेड ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि जो आपको आपको पता है जो एम में सीट्स है वो टू ट्वेंटी है टोटल ठीक है और फॉर एक्साम्पल एक बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है लेकिन उसकी ये जो कम्बाइंड मेरिट लिस्ट है जो जनरल मेरिट लिस्ट है उसमें उसमें उसकी रैंक फोर हंड्रेड तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को इस 220 के अंदर रैंक आ जाएगी उसकी ठीक है 220 के अंडर आ जाएगी और उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा दिस यहाँ पर ये नहीं लिखा है यहाँ पर ये नहीं लिखा है यहाँ पर ये सिर्फ ये लिखा है कि जो uh, जो सीट रिजर्व है जो इन जो इन बच्चों की सीट रिजर्व है दैट विल डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द जनरल मैरिट लिस्ट ठीक है मतलब थोड़ा उसे फायदा होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि लास्ट रैंक है और उसको एकदम ही टू ट्वेंटी के अंडर उसकी रैंक आ जाएगी ऐसा नहीं होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द जनरल मैरिट लिस्ट उसने इंटरव्यू में कितने मार्क्स रिसीव किए हैं प्लस रिटेन में ठीक है उससे जो कंबाइंड मैरिट लिस्ट बनेगी उसमें उसे थोड़ा फायदा हो सकता है यस ऐसे एक क्वेश्चन याद आया एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मेरा आर्मी बैकग्राउंड है तो क्या मुझे रिटिन में कुछ बेनिफिट हो सकता है नहीं रिटिन में तो किसी को बेनिफिट नहीं है अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है चाहे आप एस सी कैंडिडेट हो या फिर आप आर्मी पर्सनल हो या फिर आर्मी बैकग्राउंड से हो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला रिटिन आपको खुद की नॉलेज से टेस्ट करके अच्छे से वो आपको टेस्ट करेंगे और आपके उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे रिटर्न में ठीक है तो रिटिन में कोई भी रिलैक्सेशन कैसे भी टाइप का नहीं है ठीक है यस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मेडिकल में स्किप हो गई जो हाइट है वो वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर है ठीक है तो अगर आपकी हाइट वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर है तभी आप अप्लाई कर सकते हो एम एन एस के लिए ठीक है रिलैक्सेशन है गोरखास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ हिस्से के लिए ठीक है ओके सो so, यहाँ पर एक और चीज़ जो मेंशन की है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी अप्लाइड वाइल प्रिपेयरिंग द कम्बाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ कोर्स ठीक है रिटर्न में जैसे मैंने बताया कि कोई बेनिफिट नहीं होगा रिटर्न में एस सी एन सी 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 सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट है या फिर बी सर्टिफिकेट है ठीक है एंड यस वन वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एन सी सी से कि वन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि मैम अगर एन सी सी सर्टिफिकेट है ही नहीं ना सी ए और बी कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन उन बच्चों का भी होता है जिनके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं होता ठीक है तो वो आपका डिपेंड करता है आपने इंटरव्यू में कितना मार्क्स रिसीव किया है एंड प्लस रिटर्न में सो रिटर्न इज द मेन फैक्टर रिटर्न में अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रिसीव कर लोगे फिर आपके इंटरव्यू में अगर कम भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है सो ये हो गया आपका एस सी एस टी कैंडिडेट्स और एनसीसी सर्टिफिकेट का डाउट क्लियर ठीक है तो एक और बार इसमें आपको सिर्फ यही बताया है कि ये जो रिजर्व सीट्स है विल बी इन एडिशन टू एनी वैकेंसीज़ ठीक है ये आपको इन एडिशन प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द पोजिशन बेसिस ऑन द पोजिशन ऑफ जनरल मैरिट लिस्ट तो जनरल मैरिट लिस्ट के हिसाब से आपको वेकेंसीज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर एस सी एस टी एन एनसीसी सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स नेक्स्ट इज टेस्ट सेंटर्स तो बेसिकली जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको तीन सेंटर्स आप प्रेफरेंस में एज अ प्रेफरेंस चूज कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर लिखा है थ्री एग्जामिनेशन सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ठीक है जो आपको पहले चाहिए सेकेंडली अगर आपको वो ना मिले तो सेकेंड आप कौन सा प्रेफरेंस में रखोगे एंड थर्ड ठीक है सो बेसिकली जो टेस्ट सेंटर्स है लाइक अगर आपको आपके मनपसंद का सेंटर चाहिए नियर बाय सेंटर चाहिए आपके होम टाउन से तो यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट एंड फर्स्ट अलॉट की बेसिस पर आपको टेस्ट सेंटर अलॉट किए जाएंगे ठीक है? अगर आप लेट फिल करते हो तो फिर मे बी आपको वो सेंटर ना मिले जो आप उम्मीद रखते हो कि हाँ ये मेरे को मिलना चाहिए ठीक है सो फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर आपको टेस्ट सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड यहाँ पर आप तीन एग्जामिनेशन सेंटर्स एज अ प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ओके एंड ये तो ऑलरेडी आपको मेंशन है जो रिक्वेस्ट है एंड करस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग चेंज ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी कैंडिडेट्स विल बी नॉट एक्सपेक्टेड तो यहाँ पर uh, कोई भी एक्सेप्ट uh, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना टेस्ट सेंटर आपका चेंज हो जाए ठीक है नाउ आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू ओके सो जो डाउट वाली वीडियो है एम एन कोर्स के रिगार्डिंग ठीक है तो जो बच्चे ने अभी तक डाउट नहीं पूछा है और किसी के मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स तो वो हम कमेंट आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जिन बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट पूछ रखा है तो वो मैंने आपके क्वेश्चन ऑलरेडी उस वीडियो में मैंशन कर दिए हैं वो मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूंगी वीडियो ठीक है सो हाउ टू अप्लाई फॉर एम एन एस इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से फिल करनी है ठीक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंग क्योंकि लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी में कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स की थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो उनका जो रिजेक्शन हो गया था उनका सिलेक्शन उनका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया था तो आपको बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग कि जो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ठीक है लाइक आपने 2020 ट्वेंटी में एमएनएस के लिए अप्लाई किया होगा तो जो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी ईमेल आईडी को आपको रजिस्टर्ड करके लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ठीक है आप अपनी ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते क्यों नहीं चेंज कर सकते क्योंकि जिस ईमेल आईडी को आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आपने सारी डिटेल्स फिल की है ना पहले आपने लॉगिन किया उस ईमेल आईडी से फिर आपने अपनी फादर नेम मदर नेम आधार नंबर मोबाइल नंबर ठीक है ट्वेल्थ मार्कशीट ये सब आपने उस ई मेल पर ही रजिस्टर्ड किया है तो अगर आप नेक्स्ट ई मेल अगर आप लिखते हो ठीक है तो वो क्या बोलेगा दिस ये जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी उस ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड है तो आप इस ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते सो so, ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था तो वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये बहुत सिंपल है आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन शॉर्ट बता दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू ठीक है स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो सेवनटीन्थ को रिलीज होगी फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एम एन एस कोर्स तो ये आपको ऑफिसर्स लॉग इन में जाके ठीक है आपको फिल करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ठीक है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो एम एन एस प्रैप एंड इंस्टा पर भी हूँ एम एन एस प्रैप आप सर्च कर सकते हो एंड वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो ठीक है सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे आपको समझ आ गया होगा ठीक है सो बेसिकली 17 फेब रेडी रहना आपका एम एन एस एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं और जून में आपका मेडिकल एंड इंटरव्यू होगा अब एक इंपॉर्टेंट जो डाउट है कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम 2022 का जो एम एन एस एप्लीकेशन है फॉर्म वो कब रिलीज़ होगा तो मोस्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जनवरी एंड फेबररी में ही रिलीज होते हैं एवरी ईयर तो तभी आपका रिलीज होगा और सारे ईयर्स में वैसा ही चलता है एक महीने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है उस एक महीने में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है ठीक है और फिर आपका एग्जाम होता है एग्जाम के बाद आपका फिर अगर आपके से ऊपर मार्क्स है फिर आपका मेडिकल इन इंटरव्यू होगा इफेक्ट हो, तो नहीं पड़ेगा ठीक है ऐसा मत तो मेडिकल से बिल्कुल दूर दूर का वास्ता नहीं है उसका बट या जो आपका सिलेक्शन uh, है लाइक आपकी रैंक आ गई लेकिन आप मेडिकली अनफिट हो और आपने रिव्यू और अपील भी कर दिया तब भी आप मेडिकली अनफिट हो तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ठीक है तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है एम एन एस के केस में अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ मेडिकल ऑफ कोर्स ठीक है तो क्योंकि रैंक भी आती है तब भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेडिकल ही अनफिट हो ठीक है तो मेडिकल का आपका खास तौर से ध्यान रखना है ओके okay? एंड अगर मेडिकली फिट हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आप अच्छे से अपने इंटरव्यू एंड मेडिकल की रिटर्न uh, की एग्जाम की तैयारी करो ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू